कॉन्सेप्ट बताए थे जावा के अगर आप लोगों तो को याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था इवोल्यूशन ऑफ जावा इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है उत्पत्ति कि जावा प्रोग्रामिंग की उत्पत्ति कैसे हुई तो इसके बारे में हमने आपको बताया था कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज सी लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज तो मशीन डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा प्रोग्रामिंग का डेवलपमेंट किया गया जावा प्रोग्रामिंग डेवलप की गई ओके okay? तो उसके बारे में हमने आपको बताया था फिर हमने आपको फीचर्स बताए थे जावा के कि जावा के कौन कौन से फीचर्स हैं हाउ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन चेंज योर लाइफ फीचर्स में हमने आपको बताया था कि जावा इज सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मल्टी थ्रेडेड हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो इनके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया फिर हमने आपको बताया था कंपोनेंट ऑफ द जावा के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं तो जावा के कंपोनेंट्स हैं जावा डेवलपमेंट किट जे आरई दैट इज द जावा रन टाइम इनवायरमेंट एंड जेवीएम दैट इज द जावा वर्चुअल मशीन जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इज ए मैकेनिजम ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इट हैव फोर पिलर फर्स्ट वन इज द एबस्ट्रेक्शन सेकेंड इज इनकेप्सुलेशन थर्ड इज इनहेरिटेंस एंड फोर्थ इज पॉलीमाफिज एंड एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलोज दीज फोर कॉन्सेप्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जावा कैसी लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अच्छा जो अभी हमने आपको फोर पिलर्स बताए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के तो इन फोर पिलर्स को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इलाबोरेट करेंगे इनको आपको समझाएंगे और इनका इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने आपको एग्जीक्यूशन सिनेरियो के बारे में बताया कि जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सिनेरियो क्या होता है तो जावा प्रोग्राम में जावा प्रोग्राम में सबसे पहले हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं डेवलप करने के बाद फिर हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जावा कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है तो यह एग्जीक्यूशन का फर्स्ट फेज हुआ दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ एग्जीक्यूशन उसके बाद में फिर हम जावा प्रोग्राम को रन करते हैं जब रन करते हैं तो बाइट कोड सबसे पहले जेवीएम पर अप्लाई होता है जेवीएम बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है तो ये टॉपिक्स हैं जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ओके अब हम बात करेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग हमें क्यों सीखनी चाहिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को वी नीड द हाई पैकेज हाई सैलरी एंड अ गुड कंपनी हम क्या चाहते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा सीखें जिससे हमें एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में हमारा प्लेसमेंट हो हमारा पैकेज अच्छा हो हमें फैसिलिटीज अच्छी मिले हम अच्छी लाइफ जिए ये सभी लोग चाहते हैं राइट तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जावा प्रोग्रामिंग सीखते हैं राइट तो आपको किन कंपनीज में जॉब मिल सकती है कहां पर आपको जॉब मिल सकती है और आपका पैकेज कितना होगा आपका पैकेज कितना होगा तो मैंने यहां पर कुछ कंपनी के नाम मेंशन किए हैं जो कि जावा पर डेवलपमेंट करती हैं जैसे कि टी सी एस इंफोसिस असेंचर विप्रो कैपजेमनी कॉग्निजेंट बिरला सॉफ्ट, टेक महिंद्रा ऐसे ही बहुत सारी कंपनी हैं। मैंने यहां पर कुछ कंपनी के नाम बताए हैं आपको जो कि जावा पर डेवलपर्स को हायर करती हैं जावा पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करती हैं ऐसे ही और भी बहुत सारी कंपनी हैं, जहां पर आप प्लेसमेंट ले सकते हैं जहां पर आप अपना करियर एज द सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज द सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर हम पैकेज की बात करें तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका पैकेज भी इंक्रीज होता जाएगा अगर आप एज द फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपका पैकेज लगभग 2.78 का होगा आप जब आपको एक से दो तीन साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपका पैकेज अप्रॉक्सिमेटली फोर पॉइंट वन का हो जाएगा और जैसे धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपका पैकेज बढ़ता जाएगा ओके सो देर इज आ देर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर द जावा डेवलपर इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ओके सो ये था सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ जावा इंजीनियर अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम क्या कराने वाले हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे एजेंडा क्या है एजेंडा क्या है आज के इस लेक्चर का तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप कौन कौन से एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं उसके बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जेडी के इंस्टॉल करते हैं जेडी के का इंस्टॉलेशन बताएंगे जेडी के इंस्टॉल करना क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों जरूरत है जेडी के की अगर आप अपने सिस्टम पर जेडी के इंस्टॉल करते हैं तो आपके सिस्टम पर जावा कंपाइलर अवेलेबल हो जाएगा जेवीएम अवेलेबल हो जाएगा और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट अवेलेबल हो जाएगा तो अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर सिस्टम पर आपके लैपटॉप पर जेडीके अवेलेबल होना चाहिए तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जेडीके को इंस्टॉल करेंगे दिस इज द प्री रिक्विजिट फॉर जावा प्रोग्रामिंग दिस इज प्री रिक्विजिट फॉर जावा प्रोग्रामिंग कि अगर आप जावा प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स देन यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल जेडी के ऑन योर सिस्टम उसके बाद में फिर हम आपको जावा कंपाइलर का पाथ कैसे सेट करते हैं इसके बारे में बताएंगे फिर जावा में आप प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं प्रोग्रामिंग बताएंगे कि जावा में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं जावा के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है और जावा में हम इनपुट कैसे लेते हैं और आउटपुट को कैसे डिस्प्ले करते हैं सो दिस इज द एजेंडा दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे लेक्चर अब सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप कौन कौन से एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं तो जावा का यूज करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन व्हाट इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन यह डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होता है ऐसा एप्लीकेशन ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एक सिस्टम पर रन करें जिसका प्रयोग एक सिस्टम पे हम करें और उसको यूज करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत ना हो ऐसे एप्लीकेशन को डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं जैसे कि मीडिया प्लेयर जैसे कि एंटीवायरस ओके एडिटर अगर हम एग्जाम्पल लें तो आप अपने सिस्टम पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं आप अपने सिस्टम पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होती है क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है नो देर इज नो नीड ऑफ द इंटरनेट टू यूज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस टाइप का एप्लीकेशन है डेस्कटॉप एप्लीकेशन है राइट right? तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं दूसरा है दूसरा एप्लीकेशन है वेब एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन जावा इज यूज टू तो डेवलप द एप्लीकेशन इसका एक एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूं इसका मैं एक एग्जाम्पल भी आपको बताता हूं आप लोगों ने आई साइट को विजिट किया होगा ये इंडियन रेलवे की साइट है इंडियन रेलवे का वेब पोर्टल है जिसके थ्रू हम रिजर्वेशन कराते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आई आर सी टी सी डॉट को डॉट इन ये जो वेब एप्लीकेशन है ये जावा का यूज करके डेवलप किया गया है जावा में एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है जिसका नाम है जेएसएफ जावा सर्वर फेसेज तो irctc.co.in डॉट को डॉट इन यह वेब एप्लीकेशन यह वेब एप्लीकेशन जेएसएफ फ्रेमवर्क का यूज करके डेवलप किया गया है और आप लोग जानते होंगे कि एक बार में आई आर सी टी सी डॉट को डॉट इन साइट को करोड़ों लोग मिलियंस ऑफ पीपल्स विजिट्स करोड़ों लोग इसको विजिट करते हैं इस पर इसको एक्सेस करते हैं और इसके थ्रू रिजर्वेशन कराते हैं तो जावा इज वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज वाइडली यूज इन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट तीसरा एप्लीकेशन जावा का यूज करके आप इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या होते हैं दीज आर दर पीज कल भी मैंने ई आर पी के बारे में बताया था जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने ई आर पी के बारे में आपको बताया था कि ई आर पी क्या होते हैं ई आर पी आर द बंच ऑफ सॉफ्टवेयर अगर कई सॉफ्टवेयर्स को हम कंबाइन करते हैं और एक बड़ा एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको हम ईआरपी बोलते हैं जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन बैंकिंग एप्लीकेशन राइट जो बैंकिंग एप्लीकेशन होते हैं उसमें बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं एन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं न्यू अकाउंट क्रिएट करना जैसे बैंक में कौन कौन से वर्क होते हैं न्यू अकाउंट क्रिएट करना मनी डिपॉजिट करना विदड्रा करना मनी ट्रांसफर करना लोन पास कराना तो बहुत सारे काम होते हैं तो बैंकिंग जैसे एप्लीकेशन भी जावा के थ्रू डेवलप किए जाते हैं और मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा बैंकिंग सॉल्यूशन है जिसका नाम है फिनाइकल फिनाइकल एक बैंकिंग एप्लीकेशन है जो कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके डेवलप किया गया है और किस कंपनी ने डेवलप किया है इंफोसिस ने डेवलप किया है और इंडिया में जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो सभी बैंक्स फिनाइकल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फिनाइकल यूज करते हैं राइट right? चावा का यूज करके आप मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन आप बना सकते हैं जैसे कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड्रॉइड ऐप हम लोग डेवलप करते हैं एंड्रॉइड ऐप राइट तो एंड्रॉइड ऐप्स क्या होते हैं मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं एंड्रॉइड ऐप्स मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं ठीक है तो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में आप जावा का यूज कर सकते हैं ओके जावा इज आल्सो यूज इन द एम्बेडेड सिस्टम एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है एम्बेडेड सिस्टम वे एप्लीकेशन होते हैं ऐसे एप्लीकेशन होते हैं ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की तरह से काम करते हैं तो जावा कैन बी यूज इन एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशन ऑल्सो जावा का यूज आप स्मार्ट कार्ड्स को डेवलप करने में कर सकते हैं जावा इज यूज इन द रोबोटिक्स एंड जावा कैन बी यूज इन द गेम एप्लीकेशन डेवलपमेंट गेम डेवलपमेंट में भी हम जावा का यूज कर सकते हैं so these are the applications using java now dear students ab main aapko batane wala hu ki how you can make a java program कैसे आप एक java program बना सकते हैं? steps to design java application steps to design java application तो सबसे पहले हमें कोड लिखने के लिए किसी एडिटर का सेलेक्शन करना पड़ता है सेलेक्ट एडिटर एडिटर क्या होते हैं एडिटर आर द एप्लीकेशंस जहां पर हम कोड लिख सकते हैं जैसे कि नोट पैड नोट पैड प्लस प्लस एडिट प्लस वर्ड पैड तो ये सभी क्या है एडिटर हैं इन एडिटर में से आप कोई एक एडिटर चूज कर सकते हैं जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए तो सबसे पहले आपको एडिटर ओपन करना है उसके बाद में आपको जावा का कोड लिखना है उसके बाद में आपको जावा का कोड लिखना है फिर आपको प्रोग्राम सेव करना है फिर कंपाइल करना है और फिर एग्जीक्यूट करना है दीज आर द स्टेप्स टू डिजाइन द जावा एप्लीकेशन नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और सबसे पहले सबसे पहले हम आपको जेडीके का इंस्टॉलेशन बताएंगे कि हाउ यू कैन इंस्टॉल द जेडीके ऑन योर सिस्टम एंड हाउ यू कैन सेट द पार्थ ऑफ चावा कंपाइलर तो आइए सबसे पहले हम के इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें जेडी के का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना होता है वैसे तो आप कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं यू कैन इंस्टॉल एनी वर्जन ऑफ जे डी के फाइन कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन हम जो यहां पर यूज करेंगे जेडी के का वर्जन वो होगा जेडी के वन पॉइंट एट JDK के वन पॉइंट एट हम अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करेंगे अच्छा ये जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होगा इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली फोर टू फाइव मिनट्स ओके तो चलिए सबसे पहले हम JDK के इंस्टॉल करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है JDK। के मैंने जेडी के फोल्डर ओपन किया और आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जेडी के दो मैंने सेटअप uh, रखे हैं एक है जेडी के फॉर विंडोज 64 बिट और दूसरा है जेडी के फॉर विंडोज 32 बिट अब आपको सबसे पहले तो यह पता करना होगा कि आपके सिस्टम पर कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यह आप कैसे पता कर सकते हैं यह आप कैसे पता कर सकते हैं तो इसके लिए आप दिस पीसी पर राइट क्लिक करिए प्रॉपर्टीज में जाइए जब आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आप यहां पर देख पाएंगे सिस्टम टाइप सिस्टम टाइप और आप यहां पर देख रहे होंगे कि हमारे सिस्टम पर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो हम यहां पर जेडीके का जो 64 बिट का सेटअप है उसे हम इंस्टॉल करेंगे और यह बहुत ही ईजी है जैसे आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप जेडी को इंस्टॉल करेंगे तो हमने यहां पर डबल क्लिक किया जब डबल क्लिक किया तो यहां पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ यूजर अकाउंट कंट्रोल तो इस डायलॉग बॉक्स में आपको यस बटन प्रेस करना होगा तो मैंने यस बटन प्रेस कर दिया है then it will start to install the JDK on your system. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली फाइव मिनट्स तो आप लोगों को बिल्कुल patience रखना है और देखना है कि how you can install the JDK. डी के तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है अब आपको यहां पर नेक्स्ट बटन प्रेस करना है अगेन प्रेस द नेक्स्ट बटन अगेन प्रेस द नेक्स्ट बटन बस इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा जेडी के का और जब आप अपने सिस्टम पर जेडी के इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम पर जेवीएम अवेलेबल हो जाएगा जावा कंपाइलर अवेलेबल हो जाएगा और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट अवेलेबल हो जाएगा ओके okay? तो इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस पर है इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस पर है और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये जो लेक्चर्स हैं इनको आप प्रॉपरली अटेंड करिए जैसा मैं आपको बताता हूं आप उसको फॉलो करिए प्रोग्रामिंग करिए तभी आप सीख पाएंगे तभी आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख पाएंगे ओके okay? तो यहां पर नेक्स्ट बटन फिर से आपको प्रेस करना है देन इट विल स्टार्ट द इंस्टॉलेशन आप यहां पर एक मैसेज पढ़ पा रहे होंगे लिखा है थ्री बिलियन डिवाइसेज रन जावा थ्री बिलियन डिवाइसेज रन जावा ओके फाइन कल मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जावा इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज जावा इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एंड जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फाइन तो इसीलिए डिफरेंट डिवाइसेज डिफरेंट हार्डवेयर डिफरेंट प्लेटफॉर्म कैन रन द जावा ओके तो देखिए जेडीके का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है अब हमने इसे क्लोज कर दिया जेडीके अब हमारे सिस्टम पर अवेलेबल हो चुका है अब हमें क्या करना है अब हम क्या करेंगे नाउ वी सेट द पाथ ऑफ जावा कंपाइलर अब हम जावा कंपाइलर का पाथ सेट करेंगे क्यों ये पाथ सेट करना जरूरी होता है क्यों हम पाथ को सेट करते हैं जिससे कि हम कमांड प्रॉम्प्ट से जावा कंपाइलर को एक्सेस करें कर सकें और हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर सकें और अपने प्रोग्राम को रन कर सकें तो अब हम सीखेंगे कि हाउ यू कैन सेट द पाथ ऑफ जावा कंपाइलर तो इसके लिए आपको दिस पीसी ओपन करना होगा दिस पी या माई कंप्यूटर आप ओपन करेंगे फिर आप सी ड्राइव ओपन करेंगे फिर आप सी ड्राइव ओपन करेंगे तो मैंने यहां पर सी ड्राइव ओपन किया सी ड्राइव में आपको एक फोल्डर मिलेगा सी ड्राइव में आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा प्रोग्राम फाइल्स जिसका नाम होगा प्रोग्राम फाइल्स तो आपको यह फोल्डर ओपन करना है प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर जब आप प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा जावा फोल्डर अब जावा फोल्डर ओपन किया जावा फोल्डर के अंदर आपको दो फोल्डर मिलेंगे एक जेडी के फोल्डर और एक जे फोल्डर तो आपको जेडी के फोल्डर ओपन करना है आपको जेडी के फोल्डर ओपन करना है तो मैंने जेडी के फोल्डर ओपन किया और फिर आपको ओपन करना है बिन फोल्डर जब आप बिन फोल्डर ओपन करेंगे जब आप बिन फोल्डर ओपन करेंगे तो आपको यहां पर एक फाइल दिख रही होगी मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है जिसका नाम है जावा सी फाइल जावा सी इज द जावा कंपाइलर फाइल अब इसी फाइल का पाथ हमें सेट करना है पाथ सिस्टम वेरिएबल में इसी फाइल का हमें पाथ सेट करना है पाथ सिस्टम वेरिएबल में तो इस पाथ को हमने कॉपी कर लिया एड्रेस बार पे जब आप क्लिक करेंगे तो यह पाथ सेलेक्ट हो जाएगा आप इस पाथ को कॉपी कर लीजिए कॉपी करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यह पाथ है पहले हम कहां पर गए सी ड्राइव में फिर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा फोल्डर के अंदर जेडी के फोल्डर के अंदर और बिन फोल्डर के अंदर यहां तक का पाथ हमने कॉपी कर लिया अब हम इस पाथ को पाथ सिस्टम वेरिएबल में सेट करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा राइट क्लिक ऑन दिस पीसी, राइट क्लिक ऑन दिस पीसी and then क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज राइट क्लिक ऑन दिस pc then click क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज जब आप प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक विंडो ओपन होगी सेटिंग्स विंडो सेटिंग्स विंडो ओपन होगी अब आपको क्या करना है यहां पर एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करना है तो मैंने क्लिक कर दिया जब आप एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक विंडो ओपन होगी जिसका नाम होगा सिस्टम प्रॉपर्टीज विंडो सिस्टम प्रॉपर्टीज विंडो अब सिस्टम प्रॉपर्टीज विंडो में आपको एनवायरमेंट वेरिएबल्स आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बटन प्रेस करना है क्लिक करना है तो मैंने इनवायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक किया अब आपको यहां पर दो तरीके के वेरिएबल मिलेंगे पहला है यूजर वेरिएबल्स आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये यूजर वेरिएबल्स की लिस्ट है और दूसरा है सिस्टम वेरिएबल्स ये सिस्टम वेरिएबल्स की लिस्ट है ओके तो आपको यहां पर सिस्टम वेरिएबल्स में सिस्टम वेरिएबल्स में यूजर वेरिए वेरिएबल में नहीं यूज करना है यूजर वेरिएबल का यूज नहीं करना है किसका यूज करना है सिस्टम वेरिएबल का यूज करना है और सिस्टम वेरिएबल्स में आपको पाथ वेरिएबल चूज करना है पाथ वेरिएबल चूज करना है पाथ को सेलेक्ट करिए और एडिट बटन प्रेस करिए जब आप एडिट बटन प्रेस करेंगे तो एक और विंडो ओपन होगी जिसका नाम है एडिट इनवायरमेंट वेरिएबल एडिट इनवायरमेंट वेरिएबल इस विंडो पर एक बटन है न्यू बटन न्यू बटन को क्लिक करिए न्यू बटन को क्लिक करिए तो मैंने न्यू बटन प्रेस किया और जो पाथ हम कॉपी करके लाए थे उसको हमने यहां पर पेस्ट कर दिया पेस्ट करने के बाद नाउ क्लिक ऑन ओके बटन अगेन प्रेस ओके बटन अगेन प्रेस ओके बटन तो इस तरीके से आप जावा कंपाइलर का पाथ पाथ सिस्टम वेरिएबल में सेट कर सकते हैं अब हमें चेक करना है कि क्या जो हमने पाथ सेट किया है क्या जो हमने पाथ सेट किया है वो सही है क्या हम जावा कंपाइलर को कमांड प्रॉम्प्ट पर एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा क्लिक ऑन स्टार्ट बटन देन टाइप सीएमडी क्लिक ऑन स्टार्ट बटन देन टाइप सीएमडी और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट कर देता हूं कमांड प्रॉम्प्ट का जिससे कि आपको क्लियर दिखे यस yes. तो यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और कमांड ट्राइप करना है जावा सी, मतलब हम कमांड प्रॉम्प्ट पर जावा कंपाइलर को एक्सेस कर रहे हैं जावा सी टाइप करिए एंड प्रेस इंटर की जब आप इंटर की प्रेस करेंगे जब आप इंटर की प्रेस करेंगे तो जावा सी का पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको दिख जाएगा अगर यह डॉक्यूमेंटेशन आपको दिख जाता है तो इसका मतलब जावा कंपाइलर का पाथ पाथ सिस्टम वेरिएबल में सेट हो चुका है ओके और अब आप जावा कंपाइलर को कमांड प्रॉम्प्ट पर एक्सेस कर सकते हैं ओके चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर इन जावा कि भाई जावा में हम प्रोग्राम कैसे करेंगे हम कोड कैसे करेंगे तो आइए इसके बारे में जानते हैं तो मैं आपको एक कोड सेगमेंट लिख करके एक जावा का प्रोग्राम लिख करके सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कोड सेगमेंट कोड सेगमेंट मैं एक जावा का छोटा सा कोड लिख करके पहले उस कोड को समझाता हूं उसके बाद में फिर हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जावा जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके okay? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो जावा का प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करते हैं सबसे पहले हम क्या क्रिएट करते हैं क्लास तो देखिए ये क्लास क्या होती है ओके okay? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम क्लास क्या होती है सो यू कैन से क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल क्लास इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मैथड्स क्लास जो है वो वेरिएबल्स और मैथड्स का कलेक्शन होता है क्लास इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मैथड और जब भी आप जावा प्रोग्राम बनाएंगे तब आपको क्लास क्रिएट करनी होगी राइट right? तो क्लास क्या है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मैथड्स ओके तो सबसे पहले सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे राइट right? मैं एक जावा का कोड लिख के आपको समझाना चाहता हूं कि हाउ यू कैन क्रिएट प्रोग्राम इन जावा वॉट इज द प्रोग्राम स्ट्रक्चर इन जावा तो यहां पर सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे मान लिया हमने क्लास क्रिएट किया बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड और क्लास का नाम हमने दिया पी वन क्लास का नाम हमने दिया पी वन क्लास क्लास क्या है क्लास एक कीवर्ड है जो कीवर्ड्स होंगे सोंगे मैं उनको हाईलाइट कर दूंगा रेड कलर से तो क्लास क्या है एक कीवर्ड है विच इज यूज्ड टू डिक्लेयर द क्लास जिसका यूज हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं तो हमने यहां पर एक क्लास क्रिएट की और क्लास का नेम हमने दिया p1। अब इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे हम मेन मेथड क्रिएट करेंगे अगर आप लोगों ने पहले C लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ रखी है C में आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेन मेथड क्या होता है मेन मेथड इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम मेन मेथड आपके प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और आपका प्रोग्राम हमेशा मेन मेथड से ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है तो यहां पर हमने एक क्लास क्रिएट की क्लास का नेम हमने दिया पी वन और इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड क्रिएट करेंगे क्लास के अंदर हम मेन मेथड क्रिएट करेंगे तो हमने यहां पर लिखा पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन यहां पर पब्लिक कीवर्ड है स्टैटिक भी कीवर्ड है वाइड भी कीवर्ड है और मेन मेथड का नेम है अभी इस मेथड को हम एक्सप्लेन करेंगे और मेन मेथड के अंदर हम स्ट्रिंग टाइप की एरे पास करते हैं मेन मेथड के अंदर हम स्ट्रिंग टाइप की एरे पास करते हैं ओके तो देखिए ये मेन मेथड हमने क्रिएट किया अब हमें समझना है कि ये पब्लिक क्या होता है स्टैटिक क्या होता है और वाइड क्या होता है ओके तो पब्लिक एक कीवर्ड है जो कि एक्सेस मॉडिफायर की, की तरह काम करता है पब्लिक एक कीवर्ड है जो कि एक्सेस मॉडिफायर की तरह काम करता है अगर किसी मेथड को आप पब्लिक डिक्लेयर करते हैं किसी मेथड के डिक्लेरेशन में आप पब्लिक कीवर्ड यूज करते हैं तो उस मेथड को आप कहीं से भी कॉल कर सकते हैं तो पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है और भी बहुत सारे एक्सेस मॉडिफायर हैं जैसे कि पब्लिक है प्राइवेट है प्रोटेक्टेड है जिनको हम आगे आपको आगे के लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे तो अभी मैं आपको बता रहा हूं पब्लिक मॉडिफायर के बारे में पब्लिक मॉडिफायर का यूज करके अगर आप कोई मेथड क्रिएट करते हैं तो उस मेथड को आप कहीं से भी कॉल कर सकते हैं दूसरा कीवर्ड हमने यहां पर यूज किया है स्टैटिक स्टैटिक भी एक मॉडिफायर होता है और किसी मेथड को अगर आप स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो वह उस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है उस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है तीसरा कीवर्ड यहां पर यूज किया गया है वाइड तो वाइड क्या होता है वाइड इज द रिटर्न टाइप वाइड जो है मेथड का रिटर्न टाइप है और अगर किसी मेथड के रिटर्न टाइप में आप वाइड कीवर्ड यूज करते हैं तो वह मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है राइट right? तो ये एक्सप्लेनेशन था पब्लिक का स्टैटिक वाइड का ये एक्सप्लेनेशन uh, था अब जो ये मेन मेथड है मेन क्या है मेथड का नाम है मेन क्या है मेथड का नाम है और मेन मेथड स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रोग्राम का अब बात आती है कि इस मेन मेथड में हम स्ट्रिंग टाइप की एरे क्यों पास करते हैं स्ट्रिंग टाइप की एरे क्यों पास करते हैं राइट right? तो हम मेन मेथड में स्ट्रिंग टाइप की एरे इसलिए पास करते हैं टू टेक इनपुट फ्रॉम कमांड लाइन टू टेक इनपुट फ्रॉम कमांड लाइन कमांड लाइन से इनपुट लेने के लिए हम मेन मेथड में स्ट्रिंग टाइप की एरे पास करते हैं तो यह एक्सप्लेनेशन था पब्लिक स्टैटिक वाइड और मेन का ठीक है आप देखिए इस मेन मेथड के अंदर हम एक मैसेज डिस्प्ले करने का कोड लिखेंगे टू डिस्प्ले मैसेज, जैसे कि आप लोगों ने सी में पढ़ा होगा C में अगर आपको आउटपुट डिस्प्ले करना होता है तो आप प्रिंटअप फंक्शन यूज करते हैं राइट क्या यूज करते हैं प्रिंटअप फंक्शन यूज करते हैं अगर आपको आउटपुट डिस्प्ले करना होता है ठीक वैसे ही अगर आपको जावा में आउटपुट डिस्प्ले करना होता है जावा में आपको आउटपुट डिस्प्ले करना होता है तो आप लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और इस प्रिंट एल एन मैथड के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन जावा वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन जावा ऐसा कुछ मैसेज दे दिया राइट right? फिर हमने मेन मेथड को क्लोज किया और क्लास को क्लोज किया अब यहां पर एक पॉइंट और समझना है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल क्या है तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं सिस्टम यहां पर क्लास है सिस्टम क्या है क्लास है बनी बनाई क्लास है बिल्ट इन क्लास है सिस्टम इज द बिल्ट इन क्लास आउट क्या है आउट क्या है आउट इज द ऑब्जेक्ट आउट इज द ऑब्जेक्ट और प्रिंट क्या है प्रिंट एल एन इज द मैथड प्रिंट एल एन इज द मैथड तो सिस्टम क्या है क्लास है बिल्ट इन क्लास है आउट क्या है ऑब्जेक्ट है और प्रिंट एल एन क्या है मैथड है तो हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इज द मैथड इन जावा विच इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन फाइन तो ये कोड हमने आपको बताया अगर आप इस कोड को एडिटर पर राइट करके प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपको आउटपुट मिलेगा वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन चावा तो आइए इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद हम अपने सिस्टम की डी ड्राइव में या ई e ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे डी ड्राइव में या ई e ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे तो मान लिया हमने ड्राइव e में स्विच किया अभी हम कहां पे हैं? सी ड्राइव के अंदर सी ड्राइव में है अब हमें कहां पर स्विच करना है ई e ड्राइव में स्विच करना है तो हमने यहां पे लिखा ई e और कॉलर लगाया तो इससे हम ई e ड्राइव में स्विच कर जाएंगे इससे हम ई e ड्राइव में स्विच कर जाएंगे ई e ड्राइव में स्विच करने के बाद हम ई e ड्राइव में एक फोल्डर बना लेंगे और उस फोल्डर में हम अपने सभी प्रोग्राम सेव रखेंगे तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम एम डी कमांड यूज करते हैं फोल्डर क्रिएट करने के लिए माई डियर स्टूडेंट हम एम डी कमांड यूज करते हैं एम डी एम डी फॉर मेक डायरेक्टरी एम डी फॉर मेक डायरेक्टरी तो हमने लिखा एम डी और फोल्डर का नाम हमने दिया जावा प्रॉक्स जावा प्रॉक्स मतलब इस फोल्डर में हम अपने जावा के प्रोग्राम्स रखेंगे प्रेस एंटर की तो जावा प्रॉक्स नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है अब इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे अब इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे तो हमने यहां पे लिखा सी डी जावा प्रॉक्स सी डी इज द कमांड

जावा का फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसे हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं ठीक है तो अब हम यहां से कमांड प्रॉम्प्ट से नोट पैड ओपन करेंगे तो हमने यहां पर लिखा नोट पैड स्पेस पी वन डॉट जावा नोटपैड स्पेस पी वन डॉट जावा एंड आई प्रेस द इंटर की जब मैंने इंटर की प्रेस किया तो यहां पर एक मैसेज आया एक अलर्ट मैसेज आया कैन नॉट फाइंड पी वन डॉट जावा फाइल डू यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू फाइल नोट पैड मुझे बता रहा है कि पी वन डॉट जावा फाइल अवेलेबल नहीं है क्या आप नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो यू नीड टू प्रेस द यस बटन ओके okay. अब हम प्रोग्राम बनाएंगे फाइन तो सबसे पहले आ, सेम कोड हमें लिखना है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है इसी सेम कोड को हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमने क्लास क्रिएट किया क्लास p1 ब्रेस ओपन किया फिर हमने मेन फंक्शन स्पेसिफाई किया बाय यूजिंग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और इस मेन मेथड में हम स्ट्रिंग टाइप की एरे पास करेंगे ओके तो हमने यहां पर क्लास क्रिएट कर ली और क्लास के अंदर हमने मेन मेथड स्पेसिफाई कर लिया अब हमें एक मैसेज डिस्प्ले करने का प्रोग्राम बनाना है एक मैसेज डिस्प्ले करने का प्रोग्राम बनाना है तो हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और हमने मैसेज दिया वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन जावा राइट लास्ट में सेमी लगाया मेन मेथड को क्लोज किया और फिर हमने क्लास को क्लोज किया तो इस तरीके से ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है अब हम इस प्रोग्राम को सेव कर देंगे सेव करने के बाद अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलेशन के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट पर जावा कंपाइलर को कॉल करते हैं जावा कंपाइलर को बुलाते हैं बाय यूजिंग सी। तो जावा सी जब आप लिखते हैं तो इससे जावा कंपाइलर कॉल हो जाता है फिर यहां पर हम फाइल का नेम देते हैं जैसे कि हमने फाइल का नेम दिया पी वन डॉट जावा ओके तो प्रोग्राम इज कंपाइल्ड नाउ प्रोग्राम इज कंपाइल्ड नाउ अब हमें प्रोग्राम को रन करना है ठीक है अब हमें प्रोग्राम को रन करना है तो रन करने के लिए जावा कमांड लिखते हैं लिखते हैं जावा स्पेस देते हैं और क्लास का नाम देते हैं और फिर हम यहां पर क्लास का नेम देते हैं तो हमने यहां पर क्लास का नेम दिया P1। वन सो यू कैन सी हेयर द आउटपुट वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन Java. So this is the first program. This is the first program using Java. आप देखिए अब हम आपको बताएंगे कि how you can take input in Java. Right? कैसे हम Java में input लेते हैं This is the most important part. हाउ टू टेक इनपुट इन जावा ओके तो देखिए जावा में इनपुट लेने के कई तरीके हैं कई तरीके हैं जावा में आप इनपुट स्कैनर के थ्रू ले सकते हैं स्कैनर के थ्रू ले सकते हैं इनपुट जावा में इनपुट आप बफर्ड रीडर के थ्रू ले सकते हैं बफर्ड रीडर इनके थ्रू आप इनपुट ले सकते हैं लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जावा में आप स्कैनर के थ्रू कैसे इनपुट लेते हैं जावा में आप स्कैनर के थ्रू कैसे इनपुट लेते हैं। तो सबसे पहली तो बात यह आती है कि स्कैनर वास्तव में है क्या वट इज द स्कैनर वट इज द स्कैनर स्कैनर क्या है फाइन तो देखिए स्कैनर क्या होती है स्कैनर एक क्लास है स्कैनर एक क्लास है जो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज में पाई जाती है जो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज में पाई जाती है ठीक है अब यहां पर पैकेज का एक टर्म आ गया कि पैकेज क्या होता है ओके okay? पैकेज क्या होता है तो जिस तरीके से आप सी लैंग्वेज में हेडर फाइल यूज करते हैं अगर आपने सी पढ़ा होगा तो आप सी में हेडर फाइल यूज करते हैं लाइक एस टी डी डॉट एच कॉन डॉट एच आप हेडर फाइल यूज करते हैं तो जिस तरीके से सी में हम हेडर फाइल यूज करते हैं ठीक वैसे ही हम जावा में पैकेज यूज करते हैं तो चलिए स्कैनर क्लास के बारे में हम बताते हैं स्कैनर इज अ क्लास अवेलेबल इन जावा डॉट यूटिल पैकेज ओके फाइन स्कैनर एक क्लास है जो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज में पाई जाती है एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर यूजर से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं ओके okay? तो आइए हम आपको बताते हैं कि हाउ यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास तो अभी हमने आपको बताया कि स्कैनर क्लास कहां पे पाई जाती है तो स्कैनर क्लास इज अवेलेबल इन जावा डाट यूटिल पैकेज तो यहां पर सबसे पहले हम जावा डॉट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करेंगे तो हमने यहां पर लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर हमने यहां पर लिखा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर यहां पर इंपोर्ट एक कीवर्ड है यहां पर इंपोर्ट एक कीवर्ड है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर यह स्टेटमेंट क्या बता रहा है यह स्टेटमेंट यह बता रहा है कि जावाडाट यूटिल पैकेज से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लो जावा डॉट यूटिल पैकेज से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लो फाइन चलिए तो इस तरीके से आप जावा डॉट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करेंगे अब हम आपको बताएंगे हाउ यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास हाउ यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास तो इसके लिए आप लिखते हैं स्कैनर स्कैनर इज द क्लास नेम अब यहां पर स्कैनर क्लास का एक वेरिएबल बनाएंगे तो हमने यहां पर लिखा एस सी एस सी इज द वेरिएबल नेम वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं यू कैन गिव एनी नेम यू कैन गिव एनी नेम तो यहां पर मैंने वेरिएबल का नाम दिया एस सी फाइन इक्वल टू इक्वल टू न्यू स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में हम पास करेंगे सिस्टम डॉट इन यह लाइन लिखेंगे स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में पास करेंगे सिस्टम डॉट इन ओके सिस्टम डॉट इन जिस तरीके से सिस्टम डॉट आउट आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है ठीक वैसे ही

ओके चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप इंटीजर int, के लिए कैसे इनपुट लेंगे आपको ये दो लाइन का कोड लिखना होगा जब आपको यूजर से इनपुट लेना होगा तो अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फॉर इंट इनपुट अगर आप इंटीजर वेरिएबल के लिए इनपुट लेते हैं अगर आप इंटीजर वेरिएबल के लिए इनपुट लेते हैं तो किस तरीके से आप इनपुट लेंगे तो मान लिया हमारे पास एक इंट टाइप का वेरिएबल है इंट भी एक कीवर्ड है हमारे पास एक इंट टाइप का वेरिएबल है ए फाइन अब ए के लिए हमें इनपुट लेना है तो कैसे इनपुट लेंगे तो लिखेंगे ए इक्वल टू स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट इंट मैथड डॉट नेक्स्ट इंट मैथड एस सी डॉट नेक्स्ट इंट फाइन तो नेक्स्ट इंट इज द मैथड अवेलेबल इन स्कैनर क्लास एंड दिस मैथड इज यूज टू टेक इन टेजर इनपुट ओके और एक बात ध्यान रखिएगा नेक्स्ट इंट में नेक्स्ट का एन स्मॉल होगा इंट का आई कैपिटल होगा ठीक है तो इस तरीके से आप इंटीजर इनपुट ले सकते हैं अब हम आपको बताते हैं कि फ्लोट इनपुट कैसे लेंगे तो फॉर फ्लोट इनपुट फॉर फ्लोट इनपुट फ्लोट इनपुट कैसे लेंगे तो मान लिया हमारे पास एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है b और b के लिए हम इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से वाया कीबोर्ड तो यहां पर लिखेंगे b इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट पी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट राइट तो इस तरीके से हम फ्लोट टाइप का इनपुट ले सकते हैं तो मैंने आपको इनपुट लेना बताया कि इंट इनपुट कैसे लेंगे फ्लोट इनपुट कैसे लेंगे राइट right? अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं तो हम एक प्रोग्राम आपको बताने वाले हैं बहुत सिंपल प्रोग्राम बताएंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आप प्रोग्राम को समझ सकें तो प्रोग्राम का पर्पज होगा राइट प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स दो नंबर को सम फाइंड करने का प्रोग्राम हम आपको बताएंगे राइट right? तो आइए हम लोग आ जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर और यहां पर लिखते हैं नोट पैड पी टू डॉट जावा नोट पैड स्पेस पी टू डॉट जावा ओके तो फाइल हमने ओपन कर ली है अब सबसे पहले मैं प्रोग्राम का पर्पज लिखना चाहता हूं तो प्रोग्राम का पर्पज लिखने के लिए हम यहां पर कमेंट का यूज करेंगे तो मैंने यहां पर दो फॉरवर्ड स्लैश लगाए फॉर द कमेंट और मैंने यहां पर प्रोग्राम का पर्पज लिखा राइट अ जावा कोड टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स राइट प्रोग्राम राइट जावा कोड टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि हमें दो नंबर का सम निकालना है और ये जो हमने कमेंट में लिखा है कमेंट को कंपाइलर रीड नहीं करता है कमेंट हम क्यों लिखते हैं ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कमेंट हम क्यों लिखते हैं जिससे कि हम प्रोग्राम को अंडरस्टेबल बना सकें जिससे कोई दूसरा पर्सन आपका प्रोग्राम देखे तो वो प्रोग्राम का पर्पज समझ सके राइट right? इसलिए हम कमेंट लिखते हैं अब हम यहां पर पैकेज को इंपोर्ट करेंगे तो हमने यहां पर लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर ओके जावा डॉट यूटिल पैकेज से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करिए ठीक है अब हम यहां पर क्लास बनाने वाले हैं क्लास बनाएंगे और क्लास के अंदर मेन मेथड बनाएंगे तो हमने यहां पर क्लास बनाई P2. और P2 क्लास के अंदर हमने मेन मेथड बनाया यूजिंग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की एरे पास की डैन स्ट्रिंग टाइप की एरे पास की अब देखिए हमें दो नंबर का सम निकालना है हमें दो नंबर का सम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे सबसे पहले हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं वेरिएबल्स आर वैल्यू कंटेनर्स वेरिएबल्स आर वैल्यू कंटेनर्स दे क्रिएट स्पेस इन मेमोरी दे क्रिएट स्पेस इन मेमोरी तो मान लिया आपको वैल्यू स्टोर करनी है राइट right? तो आपको वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी तो यहां पर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंट टाइप के ए बी सी ए वेरिएबल में ए वेरिएबल में हम फर्स्ट नंबर स्टोर करेंगे बी वेरिएबल में हम सेकंड नंबर स्टोर करेंगे और सी वेरिएबल में दोनों का सम स्टोर करेंगे तो so, हमने यहां पर तीन वेरिएबल ले लिए ए बी और सी अब चूंकि इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट लेना है तो यहां पर हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमने यहां पे लिखा स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर और फिर हमने यहां पर ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन ठीक है हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया अब देखिए अब हम चाहते हैं कि हम एक मैसेज डिस्प्ले करें लाइक इंटर टू नंबर्स तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हम यूज कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल और डबल कोट्स में हमने मैसेज दिया इंटर टू नंबर्स ओके सो नाउ यूजर विल इनपुट टू नंबर्स फर्स्ट नंबर हम ए वेरिएबल में स्टोर करेंगे और सेकेंड नंबर हम बी वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो हमने यहां पे लिखा ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट एंड बी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट दोनों नंबर हमने इनपुट करा लिए अब इनका सम हमें फाइंड आउट फाइंड करना है और सम को सी वेरिएबल में स्टोर करना है और सम को हमें सी वैरिएबल में स्टोर करना है तो हमने यहां पर लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी ए और बी को ऐड किया और सी वेरिएबल में स्टोर किया अब हम सी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन अगर आप मैसेज भी देना चाहते हैं तो आप मैसेज दे सकते हैं डबल कोट्स के अंदर सम प्लस सी ओके सम इक्वल टू प्लस सी प्लस यहां पर क्वानटनेशन ऑपरेटर है यह मैसेज को वैरिएबल से की वैल्यू से अटैच करने के लिए प्लस ऑपरेटर का हम यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर का हम यूज करते हैं तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलेशन के लिए लिखेंगे सी पी टू डॉट जावा रन करेंगे जावा पी टू तो जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो मैसेज आया इंटर टू नंबर्स। फर्स्ट नंबर हमने इनपुट किया टेन सेकेंड नंबर हमने इनपुट किया फिफ्टीन सो इट डिस्प्ले सम इक्वल टू ट्वेंटी फाइव डियर तो स्टूडेंट आज के सेशन में हमने प्रोग्रामिंग भी की और आई होप कि आपको जो प्रोग्राम्स बताए गए वो आपको क्लियर हुए होंगे अब मैं आज के लेक्चर के कंक्लूजन में आता हूं और डिस्कस करता हूं कि आज के सेशन में आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि जावा का यूज करके आप कौन कौन से एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन एंड एम्बेडेड एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन ओके तो इन तरीके के एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं फिर हमने जेडीके का इंस्टॉलेशन सीखा और जावा कंपाइलर का पाथ सेट करना सीखा फिर हमने जावा के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है उस, वो सीखा और जावा में इनपुट कैसे लेते हैं आउटपुट कैसे डिस्प्ले करते हैं इसके बारे में हमने सीखा ओके अब आज का जो लेक्चर था उससे रिलेटेड यहां पर हमने कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस दिए हैं ये इंटरव्यू क्वेश्चन तैयार करना क्यों जरूरी होता है क्योंकि इफ यू वांट अ प्लेसमेंट इन अ कंपनी तो आपको इंटरव्यू तो देना होगा बिना इंटरव्यू के तो प्लेसमेंट नहीं होता है तो आपको क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने होंगे राइट तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं लाइक एक्सप्लेन मेन मेथड इन जावा ये बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आप मेन मेथड एक्सप्लेन करिए दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यह भी बहुत ही ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड स्टैटिक कीवर्ड का क्या यूज है तो ये मैंने इसी लेक्चर में आपको बताया है कि अगर किसी मेथड को आप स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो उस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी की वर्ड्स आर अवेलेबल इन जावा तो इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर फिफ्टी की वर्ड्स देर आर फिफ्टी की वर्ड्स ओके और एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी क्या होती है तो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी वे टेक्नोलॉजी होती हैं जिनका सोर्स कोड ओपन होता है मतलब डेवलपर के लिए अवेलेबल होता है इंजीनियर्स के लिए अवेलेबल होता है और इंजीनियर्स उसके कोड में चेंजेज कर सकते हैं जैसे कि जावा जावा इज ओपन सोर्स PHP इज ओपन सोर्स पाइथन इज ओपन सोर्स राइट तो ये इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन थे इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और जो प्रोग्राम्स हमने आज आपको बताए हैं उन प्रोग्राम्स को भी आप बना लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है प्रोग्राम बनाने में या किसी के कॉन्सेप्ट को समझने में तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है मेरा नाम ब्रजेश कुमार मिश्रा है मेरा कांटेक्ट नंबर है सेवन सेवन फाइव थ्री डबल जीरो वन सिक्स टू वन ये हमारा ऑफिशियल नंबर है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी मेंशन किया है आप अपनी प्रॉब्लम हमें ईमेल भी कर सकते हैं सो डियर स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में आप मिलते हैं और नई एनर्जी के साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ नए प्रोग्राम्स के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा और आपने इंजॉय किया होगा सो थैंक यू वेरी मच